नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और मैं आज आपके लिए आया हूँ 15x40 600 स्क्वायर फीट पर एक दुकान के साथ एक मकान की प्लानिंग मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर जो प्लानिंग की जा रही है वहाँ सिंगल मंजिल पर इसकी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर जो बनाया गया है वो कॉर्नर वाला प्लाट है और यहाँ पर जो पूरब दिशा और उत्तर दिशा के बीच सेंटर पर यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। तो एक रोड इधर काला वाला है और एक रोड दो रोड, मतलब दो रोड यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे यहाँ पर चल रहा काम। तो इसकी जो प्लानिंग है मैं वो आपको दिखाऊंगा और एक यहाँ पर एक छोटी सी दुकान के साथ इस मकान की प्लानिंग यहाँ पर की गई है। तो साइज़ के साथ साथ यहाँ पर जो कॉलम साइज़ है वो भी और यहाँ पर जो सरिया यूज़ किया जा रहा है वो भी और अभी तक की जो यहाँ पर प्लानिंग की गई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिखाने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की बनती हुई प्लानिंग के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने का यहाँ पर जो फ्रंट है यहाँ पर है 40 और यहाँ पर है 15, मतलब 15x40 600 स्क्वायर फीट पर और एक दुकान के साथ और एक सिंगल मंजिल की प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो रोड है, एक रोड यहाँ पर दिया गया है और एक रोड यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उसकी प्लानिंग मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड नहीं बना है तो यहाँ पर जो हाइट दी गई है यहाँ पर प्लंथ की, यहाँ पर से करीबन 2 फीट की हाइट यहाँ पर दिया गया है। जब यहाँ पर रोड बन जाएगा तो करीबन 1.5 फीट की हाइट यहाँ पर लगभग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाया जा रहा है दुकान, फ्रंट पर एक दुकान प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है। 8x7 इस दुकान के साइज को यहाँ पर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉर्नर वाला प्लाट है और यहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर से जीने की प्लानिंग यहाँ पर से दी जाएगी। दूसरी मंजिल के लिए यहाँ पर से जीना दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सही आपको एक हॉल पर जाने का रास्ता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो 3.5 फीट का एक गेट यहाँ पर भी दिया गया है। आपको यहाँ पर हॉल पर 15x11 इस हॉल के साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। जब यहाँ पर जो प्लानिंग चली थी जहाँ पर जब DPC की हाइट तक यहाँ पर लगभग काम यहाँ पर हुआ था, अब लगभग यहाँ पर काम और हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको यहाँ पर हाल दुकान के और आपके यहाँ पर दूसरी मंजिल के जीने के जस्ट पास में आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। और एक यहाँ पर साइड पर आपको एक किचन यहाँ पर बनाया जा रहा है हाल के ही जस्ट साइड पर यहाँ पर, और दुकान के जस्ट पीछे आपको यहाँ पर एक किचन यहाँ पर आपको एक बनता हुआ दिखेगा। फ्रंट पर यहाँ पर भी एक विंडो यहाँ पर भी दी गई है। और यहाँ पर जो किचन है 6x8 इस किचन के साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर है दुकान, यहाँ पर है किचन और यहाँ पर जो ऊपर मंजिल जाने के लिए जीना और एक हॉल यहाँ पर बनाया जा रहा है। और हॉल के ही जस्ट साइड पर आपको यहाँ पर एक बेडरूम आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। और एक सेफ्टी टैंक यहाँ पर दिया गया है और एक लेद बाथ आपको यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। यहाँ पर बनाया जा रहा है एक बेडरूम 15x13 इस बेडरूम के साइज को यहाँ पर बनाया जा रहा है। और बेडरूम के ही जस्ट साइड पर यहाँ पर आपको एक लेद बाथ आपको बनती हुई यहाँ पर दिखेगी। और एक विंडो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी दी गई है ताकि इसका जो उजाला है यहाँ पर भी आपके एक बेडरूम पर भी आ सके। तो आप देख सकते हैं इससे अटैच एक लेद बाथ यहाँ पर बनाई गई है और एक कॉमन लेद बाथ यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक विंडो यहाँ पर भी हाल पर भी दी गई है, मतलब उजाले के लिए और हवा के लिए पर्याप्त जगह यहाँ पर वेंटिलेशन दिया गया है। तो सुंदर सी मकान की प्लानिंग यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर जो कॉलम है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और चार कॉलम एक साइड और चार कॉलम एक साइड, मतलब टोटल 8 कॉलम पर। और यहाँ पर जो सरिया आप देख सकते हैं 8 सरी का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है और 12mm सरिया यहाँ पर दिया जा रहा है। और कॉलम साइज है यहाँ पर 8x12 का एक कॉलम यहाँ पर दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो छत हाइट यहाँ पर दी जाएगी 10.5 फीट
यहाँ पर छत हाइट दी जाएगी और हाल पर यहाँ पर पानी का टैंक और लेद पात का यहाँ पर सेफ्टी टैंक यहाँ पर बनाया गया है। तो सुंदर सी पैनलिंग यहाँ पर की गई है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यहाँ वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।